सत श्री अकाल दोस्तों। दोस्तों आज दा असी जो विषय लैके आए हाँ वो लैके आए हाँ कि ब्रह्म की शक्ति नूं यूनिवर्सल एनर्जी नूं परमात्मा की शक्ति नूं महसूस किवें कीता जा सके, उस एनर्जी नूं अपनी बॉडी दे विच किवें असी अनुभव कर सकते हाँ, किवें असी देख सकते हाँ। दोस्तों हर इंसान जो इस संसार दे विच विचर रहा है वह परमात्मा तो उपजण वाली शक्ति का एक हिस्सा है जिसनों असी आत्मा कहने हैं। आत्मा परमात्मा के अंश है ते मन उसनों त्रिकुटी तो वक् करता है ते मन ही संसार कलझेवें उलझाता है। सो दोस्तों जेकर तुसी समाधि कर रहे हो ध्यान कर रहे हो तो पर तुहाडे विच हले तक वह एनर्जी का आभास तुसी नहीं कर सके तो समाधि दे कि ना कि कमी है, तो मन के कितने विचार चल रहे हैं जो दुनियावी हैं। साडा मन दुनियावी खेडां दे विच हाले उलझिया होया है, दुनियावी चीज़ों के उलझिया होया है। सो ऐसे विच इस शक्ति नूं किवें अनुभव किया जाए, सब तो पहला सानू अपनी बॉडी नूं समझना होगा। साडी बॉडी का काम की है, बॉडी किवें वर्क करती है, बॉडी दी जरूरतां की हन, साडे शरीर दी जरूरतां की हन। सो इस नूं इन्हां जरूरतों तो वक्ख करना होगा। उस दे लई सानूं की करना, कुछ आसनां दी जरूरत हुंदी है सानूं। जदों साडी बॉडी दी जरूरतां नूं असीं समझ लिया ऑटोमैटिकली असीं अध्यात्मिक ऊर्जा नूं समझ लवांगे। सानूं की करना, असीं सिंपली लेट जाना अपने ध्यान नूं अपनी बॉडी दे एक एक अंग दे उत्ते एकत्र करना, देखना समझना साडी बॉडी की आ। कितें तुहानूं लगे कि तुहाडी बॉडी दे विच कितें तुहानूं तनाव महसूस हो रहा, कोई स्ट्रैस महसूस हो रहा, तो उस स्ट्रैस तो बॉडी नूं मुक्त करना। इस अभ्यास नूं हर रोज़ घट्टो घट 5 तों 10 मिनट तक करो। इस नूं असीं शव आसन भी कहने हाँ। तो इस दे विच असीं अपने आप नूं मरण का अभ्यास करवाउणा हुंदा, अपनी बॉडी दे नालों अपने नाते नूं नाता तोड़ना हुंदा मन दा। जो तुसीं लगातार ये अभ्यास करोगे तो तुहाडी बॉडी में बदलाव आने शुरू हो जाएंगे, तुहाडी मानसिक स्थिति के बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। हुण असीं समझना भी किस तरह असीं यूनीवर्सल एनर्जी नूं महसूस करना। असीं जेकर शास्त्रां की गल करिए, भैरवी विज्ञान तंत्र की गल करिए, उस 112 विधियां ध्यान के नाल संबंधित आउंदियां हन यूनीवर्सल एनर्जी नूं महसूस करन दे लई। 112 विधियां का जिक्र भगवान शंकर द्वारा किया गया है। सो सब तो जो महा जो मुंद्रा है या महामंत्र की जो गल करिए, भगवान शिव सब महामंत्र ओम नूं कहिंदे हन, जिस दे विच साडी जो जीव है, जीवा साड़ी जो जीव है बिल्कुल नहीं हिलती, सिर्फ इस विच एक मंत्र का उच्चारण होता है। असीं बोल बोल के करना, कुछ समय बाद जो असीं मंत्र का बोल बोल के उच्चारण करांगे तो असीं महामुद्रा ये वाली मुद्रा दे विच बैठना। इस मुद्रा दे विच जो असीं इस मंत्र का उच्चारण करांगे कुछ समय बाद साड़ी ऊर्जा स्थिर हो जाएगी, साडा ध्यान साडा ख्याल अंदर उतरना शुरू हो जाएगा। जो असी अंदर उतरांगे तो सानू अनुभव होगा कि अंदरों कोई शक्ति साड़ी बॉडी दे विच प्रवाहित हो रही है, कोई एनर्जी कोई लाइट साड़ी बॉडी विच एक्टिव हो रही है, साड़े श्वासों की गति घट जाएगी, रुक जाएगी, साड़े ख्याल खत्म हो जाएंगे, सारा ध्यान अखां दे पिछे इकट्ठा हो जाएगा, बॉडी दे विच कोई एनर्जी तो निकल के तुहाडे अखां पिछे इकट्ठी होनी शुरू हो जाएगी। इस तरह असीं ब्रह्म की शक्ति का अनुभव कर सकते हाँ, ब्रह्मंड की शक्ति का अनुभव कर सकते हाँ। अगर तुहाडे लगातार अभ्यास करने के बावजूद तुहानू ये अनुभव नहीं हो रहा तो तुसीं साडे नाल संपर्क कर सकते हो। सो अज दे लई इन्ना ही, धन्यवाद, साडे नाल बने।